युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मानपुर ने विद्युत विभाग के एई उमरिया को ज्ञापन देकर मांग की। मानपुर सहित आसपास के दर्जनों गांवों में जले ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द बदले जाएं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो किसानों के हित में उग्र आंदोलन करने के लिए युवा कांग्रेस मजबूर होगी। श्री राहुल द्विवेदी ने कहा कि मानपुर क्षेत्र में कई महीनों से सैकड़ों ट्रांसफार्म जले हुए हैं। क्षेत्र में किसानों का एकमात्र आय का साधन कृषि है। किसानों की फसलें नष्ट होती जा रही है जिससे क्षेत्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। अगर अभी हाल ही में मानपुर क्षेत्र में सर्वे करवा लिया जाए तो कई किसानों की फसलें तो सूख गई और कई सूखने की कगार पर, जहां एक तरफ सरकार किसानों के हितैषी बताती है और दूसरी तरफ आज बिजली और पानी के लिए किसान दर दर भटक रहा। पूर्व में कई बार आपको आवेदन देकर अवगत कराया गया किंतु आज दिनांक तक मानपुर क्षेत्र के जले ट्रांसफॉर्म नहीं बदले गए। वह बिजली की समस्या जो कि त्यो बनी हुई है, मानपुर क्षेत्र के जले हुए ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द बदले जाए, अन्यथा युवक कांग्रेस किसानों के हित में आंदोलन से उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। युवक कांग्रेस द्वारा उमरिया विद्युत विभाग के को हमने ज्ञापन दिया है और इस बात की मांग की है कि मानपुर सहित आसपास के जितने भी दर्जनों गांव वहां जो जले ट्रांसफार्मर है उनको जल्द से जल्द बदला जाए। हमारे क्षेत्र में किसानों का एकमात्र साधन है वो कृषि है और बिजली और पानी न मिलने से किसानों की हालत खराब हो चुकी है, किसानों की फसलें सूख चुकी हैं। हमने जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो युवा कांग्रेस मानपुर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।